पटना और रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल आज हुआ शुरू। पटना से सुबह 6:55 पर ट्रेन रांची के लिए हुआ रवाना। बीपीएससी बिहार में 1,70,000 शिक्षकों के भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से की जाएगी शुरू। अभ्यर्थी 12 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। वहीं शिक्षक भर्ती के तहत 79,943 प्राइमरी टीचर, 39,916 माध्यमिक टीचर और 57,602 सीटों पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जाएंगी भर्तियां। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर के शिक्षकों के लिए बीएड की योग्यता नहीं होगी अनिवार्य। बीएड नहीं करने वाले उम्मीदवार भी कर सकेंगे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर भाजपा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया हमला। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि अगर जमीन देने में देर नहीं होती तो पूर्णिया एयरपोर्ट 4 साल पहले ही बनकर तैयार हो जाता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की पढ़ाई और उनके नाम को लेकर बिहार में एक नया राजनीतिक घमासान हुआ शुरू। जदयू ने सम्राट चौधरी के डिग्री पर उठाया सवाल। जदयू पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी की डिलीट की डिग्री पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि चुनाव के शपथ पत्र में सम्राट चौधरी ने जिस डिग्री का हवाला दिया है वह फेक है। ये माननीय सम्राट चौधरी जी ने अपने एफिडेविट में साफ तौर पर लिखा है कि मैंने डिलीट की डिग्री ली है। ये दस्तावेज है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इनका दस्तावेज बोल रहा है कि इन्होंने कहां से लिया है, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से। जिस कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी का नाम एफिडेविट में लिया गया है वह फर्जी यूनिवर्सिटी है। पटना में भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पटना के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों को 12 जून से 18 जून तक बंद रखने का दिया आदेश।